12 principles of animation: caution, stretch, anticipation, staging, straight ahead, pose to pose, follow through, overlapping action, slow in, slow out, arcs, secondary action, timing, exaggeration, solid drawing और appeal. अब ये जो 12 principles हैं, illusion of life में proper explain किया गया है. ठीक है, आप अगर illusion of life पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे. अब ये जो 12 principles हैं, ये सीखने के बाद ये ऐसे नहीं कि हम लोग 3D animation में यूज़ कर सकते, नहीं है, just animation के. एक बार आप ये principles समझ जाओगे तो आप भले stop motion करो, pixelation करो, या तो फिर 2D animation, 3D animation या किसी भी medium में animation करो, सब में ये apply होता. और ये जो principles है, ये ऐसे नहीं कि ये proper डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे एक नंबर, दो, तीन, चार, ऐसे नहीं है. क्योंकि अगर आप ऐसे सीखने जाओगे, कॉशन, स्ट्रेच, एंटिसिपेशन, स्टेजिंग, बहुत सा कंफ्यूजन हो जाएगा. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस तरह से. मैंने एक चार्ट बनाया है, जैसे कि टाइमिंग, स्पेसिंग, और ये जो टाइमिंग है इसके अंदर और एक चीज़ ऐड किया है मैंने, स्पेसिंग, जो कि ऑलरेडी है. टाइमिंग और स्पेसिंग बोला जाता है. और ईज इन, ईज आउट, स्लो इन, स्लो आउट जो है इसे हम ईज इन, ईज आउट भी कहते हैं. ठीक है, अगर आप रिचर्ड विलियम की बुक देखोगे, इसमें दिया है ईज आउट, ईज इन. आर्क्स, कॉशन, स्ट्रेच, एंटिसिपेशन, फॉलो थ्रू, ओवरलैपिंग एक्शन, एग्जैजरेशन, सेकेंडरी एक्शन. तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो मैंने और ऐसे डिफरेंट कलर में किया है. ये एक्चुअली जो 9th वाला प्रिंसिपल दिया है मैंने, स्ट्रेट अहेड, पोज टू पोज, ये इसके अंदर नहीं आता है, बल्कि ये एक वर्क फ्लो है. वर्क फ्लो मतलब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा. और ये जो स्टेजिंग है, ये अलग ही एक डिफरेंट चैप्टर है, कंपोजिशन के हिसाब से आता है. स्टोरी बोर्डिंग में, या आप कोई भी ड्राइंग करो, या कोई भी कंसेप्ट आर्ट करो, एक आपको प्रॉपर एक स्टेजिंग करना पड़ता है. उसके बारे में डिटेल में बाद में सीखेंगे. और सॉलिड ड्राइंग है, ये जो है ये एक डिफरेंट चैप्टर है पूरा, सॉलिड ड्राइंग. जैसे पोजिंग और डायनामिक पोजिंग और सॉलिड पोजिंग के ऊपर आता हो. और उसके बाद लास्ट में अपील, मैंने भी इसको लास्ट में रखा है, क्योंकि अपील जो है, ये सब हमें समझने के बाद, हम लोग जब सब चीज़ें अप्लाई करते हैं, उसके बाद ये अपीलिंग लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए. सो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइमिंग एंड स्पेसिंग से. सो सबसे पहले देखते हैं टाइमिंग क्या है. यहाँ पे हम लोग देखते हैं 24 फ्रेम्स, ये इसको बोलते हैं टाइमलाइन. ठीक है, 24 फ्रेम्स इक्वल टू 1 सेकेंड. और ये जो सेकेंड क्या है, टाइमिंग. ठीक है, यहाँ पे टोटल है 120 फ्रेम्स टाइमलाइन में. ठीक है, सो हम लोग इसको करते हैं 24. अब कितना हो गया, 24 फ्रेम्स. ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक बॉल ले लेता हूँ, पॉलीगॉन में जाके इस बॉल को यहाँ पे रख देता हूँ और S दबा देता हूँ, जो कि सेट की है. सो यहाँ पे आप देखोगे रेड कलर का एक मार्क आया फ्रेम 1 पे. ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट किया, जैसे ही सेट किया चैनल बॉक्स में ये सारे के सारे रेड हो गए. ठीक है, अब 24 पे जाके सेट करता हूँ और इसको यहाँ पे रखता हूँ. ठीक है, सो ये हो गया 24 फ्रेम्स इक्वल टू 1 सेकेंड. 1 सेकेंड इक्वल टू 24. अब इसके बाद स्पेसिंग क्या है. स्पेसिंग होता है ये जो फ्रेम्स के बीच का जो फ्रेम्स है, 1 to 24 फ्रेम्स के बीच का जो फ्रेम्स है, वो जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिस तरह अरेंजमेंट किया है, ऑटोमेटिक यहाँ पे कंप्यूटर ने अपने लिए अरेंजमेंट करके दिया है. सो उसे कहते हैं स्पेसिंग. ये बीच के जो फ्रेम्स है, जिस तरह डिस्टेंस में, वो ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे इवन में भी हो सकता है, या तो ऐसे भी हो सकता है. जो बीच का फ्रेम्स है, उसको जिस तरह डिवाइड किया गया है, उसको बोलते हैं स्पेसिंग. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे,
सो ये इवन टाइमिंग में जैसे 1 to 25 ये इक्वल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये स्पेसिंग है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये स्पेसिंग है बीच का। और इसके बाद आता है इज इन इज आउट। इज इन इज आउट जो है फ्रेम्स, जैसे कि ये स्लोली आउट होता है यहाँ से, इसको बोलते हैं इज आउट। से फ्रेम्स पास पास में, जैसे कि ये एक हो गया, दो, तीन, फिर चार, सो ग्रेजुअली डिस्टेंस बढ़ रहा है इसका। यहाँ पे ये जो है एक्सेलरेट हो रहा है, फिर यहाँ पे आके स्लोली रुक रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं इज आउट और इज इन। तो अभी हमने सीखा है टाइमिंग, स्पेसिंग और इज आउट एंड इज इन, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लिफ्ट में हो, तो लिफ्ट किस तरह जाता है, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट और हमने दबा दिया 6 माले पे, ठीक है। उसके बाद लिफ्ट जब स्टार्ट होता है तब स्लोली स्टार्ट होता है, फिर स्पीड बढ़ता है उसका, फिर जब रुकना होता है उसे, फिर से स्लोली रुकता है। सो ये हो गया इज आउट फिर इज इन। जैसे ही सेम कार हो गया या ट्रेन हो गया, जब स्टार्ट होना होता है तब स्लोली स्टार्ट होता है, फिर स्पीड बढ़ता है उसका, एक्सेलरेट होता है, फिर रुकना होता है तभी स्लोली रुकता हो। तो जितना स्लो होगा उतने फ्रेम्स पास पास आएंगे, और जितने दूर, जैसे स्पीड होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, स्पीड होगा वैसे ही फ्रेम्स का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इज इन इज आउट। तो हो गया टाइमिंग, स्पेसिंग और इज इन इज आउट। सो अभी हम लोग ये जो टाइमिंग, स्पेसिंग और इज इन इज आउट है, इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। सो मैं यहाँ पे माया में एक बॉल ले लिया, और जैसे कि आपने देखा फ्रेम 1 से 24 तक मैंने इसको एनिमेट किया है, ठीक है। जस्ट मैंने फ्रेम 1 पे की दिया, फ्रेम 24 पे की दिया, तो वो इस तरह जा रहा, ठीक है। अभी यहाँ से हम लोग एक ग्राफ एडिटर में जाते हैं, जो माया में ग्राफ एडिटर है। अभी मैं फ़िलहाल इसका एकदम बेसिक बता देता हूँ ग्राफ एडिटर का। एनिमेशन एडिटर विंडो में जाके एनिमेशन एडिटर और ग्राफ एडिटर। सो ग्राफ एडिटर में हम लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि ये जो है ऑटो टेंजेंट है, जो कंप्यूटर ऑटोमेटिक दे देता है, और ये लीनियर। लीनियर करने से होता है, ये जो लाइन देखोगे अभी, ये कर्व में, ये वाला, ठीक है, ये इस तरह कर्व है। अब इसको मैं सेलेक्ट करके जैसे ही ये दबा देता हूँ लीनियर, तो ये स्ट्रेट हो गया, मतलब ये हो गया इक्वल डिस्टेंस में, ठीक है। और जब ये करता हूँ तो यहाँ पे हो रहा है इज आउट और यहाँ पे हो रहा है इज इन, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको वापस से एक बार डिटेल में बताता हूँ, फिलहाल हम लोग ये चीज़ देखते। अब मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, और इसका जो टाइमिंग है, ये जो 24 है, डिलीट कर देता हूँ, वापस करते हैं। अब इन दोनों को वापस से मैं डुप्लीकेट करके नीचे लेता हूँ। अब हमारे पास हो गया ये 4 बॉल, और एक ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये हो गया 5 बॉल्स। अब 1 पे, यहाँ पे सब एक जगह पे, एक ही लाइन में। अब 24 पे जाके सेट करता हूँ, 1 पे सेट, सब लाल हो गया यहाँ पे, फिर 24। अब इसको लेके जाता हूँ यहाँ पे, अब देखोगे तो सारे के सारे एक साथ जा रहा है, ठीक है। अब ये जो है इसको मैं रखता हूँ लीनियर, विंडो, एनिमेशन एडिटर, ग्राफ एडिटर। अब ये जो है लाल वाला फर्स्ट बॉल का, इसको मैं कर देता हूँ लीनियर, ठीक है। जैसे ही लीनियर किया, यहाँ पे जो 4 नंबर पे फ्रेम है, ये थोड़ा आ गया है, क्योंकि इससे पहले क्या हो गया था, इस बॉल का देखते हैं। इस बॉल का अगर ये जो कंट्रोल है एक्स ट्रांसफॉर्म, इसका मैंने लीनियर कर दिया, और यहाँ पे जो है ये देखोगे तो ये इज आउट हो रहा, ठीक है, और यहाँ पे इज इन हो रहा। और ये जो बॉल है ये इक्वल डिस्टेंस में जा रहा है, लीनियर है ये, ठीक है। तो क्या हो गया, ये दोनों में अभी डिफरेंस देखेंगे। सो स्टार्ट हुआ एक ही टाइम पे और एंड हुआ एक ही टाइम पे, बट इनका जो बीच का जो रास्ता है, जो सफ़र है,
वो चेंज हो गया। तो ये जो स्पेसिंग है, हम लोग अब स्पेसिंग के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे टाइमिंग जो है, टाइमिंग फिक्स है 24 फ्रेम्स, 1 to 24 टाइमिंग फिक्स है, और यहाँ पे हम लोग अब खेल रहे हैं स्पेसिंग के साथ। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक दिया है, इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको मैंने लीनियर रखा। अब इसके यहाँ पे मैं बीच में फ्रेम 12 पे जाके इसको इसके करीब लेके जाता हूँ, मतलब यहाँ पे सिर्फ मैंने ईज आउट किया है यहाँ पे, ठीक है। फ्रेम 1 देखोगे यहाँ पे, और फ्रेम 12 देखोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फ्रेम 24 यहाँ पे एक ही साथ एंड हो गया। अब इस बॉल को मैं यहाँ पे रखता हूँ इसके पास, ठीक है। अब देखते हैं, सो जैसे कि देखोगे स्टार्ट सब एक साथ 12 पे, मैं इसको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ, सबसे आगे गया, आगे जाके फिर पीछे आया है, आगे जाके फिर से पीछे आया। इन सबका एक प्लेब्ला, जो प्लेब्लास्ट है इसमें आपको रियल टाइम दिखेगा। जैसे कि देख रहे हो फर्स्ट बॉल लीनियर है, सेकंड वाला स्लो इन स्लो आउट है, थर्ड वाला जो है ये ईज आउट है, फिर ईज इन है, फिर ये कुछ अलग ही हो गया। जैसे कि मैं इसको फ्रेम के बाहर लेके गया, फिर उसको पीछे लेके आया, ठीक है। सो ये जो टाइमिंग है ये एक्सपेरिमेंट करना है, ऐसे नहीं कि कोई रूल नहीं है कि मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ या ऐसे ही करना है, ये इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं टाइमिंग को। जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। पोस्ट, तो यहाँ पे जाके विजुलाइज में जाके मैं इसको गो सेलेक्टेड करता हूँ, सेलेक्ट किया विजुलाइज गो सेलेक्टेड, ठीक है। तो देखोगे ये पूरा इक्वल डिस्टेंस में, इसके फ्रेम्स भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अभी ये 12 12 रखा है, सो बीच में है, यहाँ से 12 और यहाँ से 12 ये दिखा रहा है। सो इसको अप्लाई कर देता हूँ, इन तीनों को भी अप्लाई कर देता हूँ। टाइमिंग, टाइमिंग सेम है, टाइमिंग क्या है 1 सेकेंड 24 फ्रेम्स, हर एक बॉल का स्पेसिंग डिफरेंट है, ठीक है। और ये स्पेसिंग के अंदर ईज इन ईज आउट हम लोग ने एक प्रिंसिपल यूज़ किया है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्क्स, टाइमिंग स्पेसिंग हो गया, ईज इन ईज आउट हो गया, अब इसके बाद आर्क्स। आर्क्स जो है सिंपल है, जैसे हर एक चीज़ में आर्क होता है, ये हो गया आर्क। आर्क कैसे भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि प्रॉपर आपको सी या ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है। आर्क ऐसे भी हो सकता है, आर्क ऐसे भी हो सकता है, आर्क ऐसे भी हो सकता है। फ्रेम 12 पे इसको लेके जाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाके सेट किया मैं, ठीक है। आप देखेंगे ये ऐसे लीनियर किया था। तो ग्राफ एडिटर ओपन करके अगर देखेंगे, इन सबको सेलेक्ट करके मैं ये ऑटो कर देता हूँ, और ठीक है ये एक आर्क में आ रहा है। आप इसका आर्क देखोगे तो इस तरह, सो आप देखोगे यहाँ पे एक प्रॉपर आर्क क्रिएट। लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, होप आपको पसंद आया रहेगा। अगर मैं इसको और ज़्यादा बताते जाऊँ तो आप बोर हो जाओगे, सो बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं।